Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome 10th class students. I am Abdurrahman Sheikh, Master Girls High School, Belgaum. Dear students, our today's topic is once again changing of narration. Part 5th. Aziz Tulba aur Talibat, aapko achi tarah se yaad hoga ke pichli 4-5 classes se hum change of narration ke bare mein padhte aaye hain aur woh rules हमने पढ़ लिए जो रूल्स हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त अप्लाई करना पड़ता है, जिन रूल्स का हमें फॉलो करना पड़ता है. तो हमने इस बारे में यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के बारे में तीन रूल्स आज तक पढ़ लिए हैं. तो आज मैंने सोच लिया क्यों ना हम एक्सरसाइज करें और हम देखें कि वो रूल्स पढ़कर हमने उन रूल्स के बारे में कितना समझ लिया और कहां तक हम कामयाब हो जाएंगे जब हम वो रूल्स डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त अप्लाई करेंगे. तो इसलिए आज की क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1 अपना टॉपिक चुन लिया है. तो इस एक्सरसाइज 1 में सिर्फ पहला रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का पहला रूल होता था, जो हमने पढ़ लिया, जो हमने डिस्कस किया, जो हमने सीख लिया. तो उसी रूल के मुताबिक आज की ये एक्सरसाइज है जिसमें कम से कम 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं and these are different sentences. तो हम देखेंगे कि हमारे पास पहला रूल जो हमने पढ़ लिया था वो है कि जब डायरेक्ट में हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त रिपोर्टेड स्पीच भी हमें पास्ट में चेंज करना पड़ता है. तो इसी रूल के मुताबिक हम आज के ये 10 सेंटेंसेस जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में है वो उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की कोशिश करेंगे और देख लेंगे कि क्या हम आसान तरीके से इनको चेंज कर सकते हैं. अगर कहीं कोई आपको कोताही आएगी तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि जहां पे आपको समझ ना आए तो मुझे 600-634-9050 पर कांटेक्ट करें और सवाल या क्वेश्चन पूछे और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी वो समस्या, आपकी मुश्किलात हल करने की. तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. डियर स्टूडेंट्स, ये कॉलम जो है या पोर्शन जो है लेफ्ट साइड वाला, ये है डायरेक्ट स्पीच और राइट साइड वाला पोर्शन या कॉलम जो है ये है इनडायरेक्ट स्पीच. तो हम सिर्फ पहला रूल जो हमने पढ़ लिया है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो हमें आज इस एक्सरसाइज में खाली उसी रूल को फॉलो करना है. यानी एक बार फिर मैं दोहराता हूं, पहला रूल हमारे पास जो हमने पढ़ लिया है वो है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में चेंज करना पड़ता है, तब्दील करना पड़ता है. तो हम देखें तो पहला डायरेक्ट में पहला सेंटेंस है हमारे पास, आई सेड टू द टीचर आई एम सॉरी. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक बात का खास ख्याल रखें, यहां पे यह रूल भी अप्लाई होता है कि जब सेड टू होगा तो वो टोल्ड में तब्दील होता है इनडायरेक्ट स्पीच में. अगर खाली सेड होगा तो वो सेड ही रहता है इनडायरेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में.
तो यहां पे है आई सेड टू द टीचर आई एम सॉरी. तो आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लिहाजा इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में चेंज होगा. तो इनडायरेक्ट में चेंज होकर कि किस तरह, मतलब इसकी हालत, इसकी सूरत किस तरह से बदल जाएगी इस सेंटेंस की, देखिए. आई टोल्ड द टीचर दैट आई वॉज सॉरी. और देखिए अच्छी तरह से यहां पे आई एम सॉरी ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया. सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस इज सिंपल प्रेजेंट. आई एम सॉरी, तो यहां जाकर आई जब तब्दील हो गया आई वॉज सॉरी, तो ये पास्ट में चेंज हो गया. तो फिर से मैं एक बार दोहराता हूं, आई सेड टू द टीचर आई एम सॉरी, आई टोल्ड द टीचर दैट आई वॉज सॉरी. दूसरा सेंटेंस है, आई सेड टू द टीचर आई एम वर्किंग हार्ड. तो जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, आई टोल्ड द टीचर दैट आई वॉज वर्किंग हार्ड. तीसरा है, आई सेड आई हैव बीन इल सिंस मंडे, आई सेड दैट आई हैड बीन इल सिंस मंडे. अब चौथा सेंटेंस देखिए, आई सेड टू हिम, यहां पे टू आ गया, सेड टू. आई सेड टू हिम आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी, तो ये सेड टू टोल्ड में चेंज होगा. आई टोल्ड हिम आई हैड बीन डूइंग माई ड्यूटी. तो यहां पे आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी, वॉज डूइंग, तो ये हैड बीन डूइंग में चेंज हो गया. अब पांचवा सेंटेंस है, ही सेड टू मी यू हैव डन वेल, तो इनडायरेक्ट में आएगा, ही टोल्ड मी दैट आई हैव डन वेल. छठा यानी सिक्स्थ सेंटेंस हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में है, ही सेड आई शैल गो देयर. तो यहां पे शैल है यानी फ्यूचर टेंस, ही सेड दैट ही वुड गो देयर. जैसे कि हमने सीख लिया शैल शुड या वुड में तब्दील होता है, चेंज होता है. तो सातवां सेंटेंस है, शी सेड टू मी यू विल मिस द ट्रेन, वंस अगेन फ्यूचर टेंस. शी टोल्ड मी दैट आई वुड मिस द ट्रेन. यू यानी सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में चेंज हुआ और फ्यूचर पास्ट में चेंज हो गया. एट्थ सेंटेंस, द जेंटलमैन सेड टू द बेगर आई नो यू, द जेंटलमैन टोल्ड द बेगर दैट ही न्यू हिम. नवा सेंटेंस है, ही सेड माई ब्रदर इज राइटिंग ए लेटर, तो इनडायरेक्ट में ही सेड दैट हिज ब्रदर वॉज राइटिंग ए लेटर. तो आखिरी इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है, शी सेड आई हैव क्वालिफाइड द इंटरव्यू, शी सेड दैट शी हैड क्वालिफाइड द इंटरव्यू. तो अजीज तुलबा और तालिबात, इस तरह से हमने रूल फर्स्ट के मुताबिक ये 10 सेंटेंस जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में थे इनडायरेक्ट में चेंज किए. तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा यहां पर भी पहला रूल. तो और ये भी मुझे उम्मीद है कि आप कलम कागज उठाकर खुद भी इसी एक्सरसाइज के मुताबिक, इसी रूल के मुताबिक खुद प्रैक्टिस करें. और अगर कहीं पे कोई मुश्किल दरपेश आए तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करें. तो इस वक्त हमारी क्लास अब इख्तिताम पजीर हो रही है, मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए. मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू.